वो आ गई तो मैं और हिबा कभी नहीं मिल सकेंगे। उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया, उनका रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो, हिबा के प्यार ने तुम्हें इतनी हिम्मत तो दी। मगर वकील साहब, जब हम उसे तलाक देना ही नहीं चाहते, अपने घर में बसाना चाहते हैं, तो वो क्यों कर तलाक ले सकती है? वो खुला चाहती है और इसका हक मजहब और कानून दोनों ने दे रखा है। वो आपके बेटे के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैंने जिया के लिए रिंग ली है, देखो कितनी खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। अली, तुम चल रहे हो या मैं जाऊँ? चलो भाई। अरे ओके दानियाल, आई सी यू लेटर। आई सी यू। हिबा, पागल हो गई हो क्या? क्या बताओगी उसे कि तुम अपनी तलाक लेने में कामयाब हो रही हो? जिया, हिबा, गम बर्दाश्त किए हैं तो खुशियां बर्दाश्त करनी भी सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने ही हाथों अपनी खुशियां खो बैठो। प्यारी अम्मी, आदाब। अम्मी, आपने जो मेरा रिश्ता जबरदस्ती नूर से जोड़ा था, वो मेरी रूह का रोग बन गया था। इसलिए मैं अपनी रूह को आज़ाद करने के लिए पूरे होशो हवास और दो गवाहों की मौजूदगी में नूर को तलाक देता हूँ। आप ये तलाकनामा और हक महर का चेक इसे पहुँचा दें। इस महीने की 30 तारीख को मैं शादी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरी खुशियों में ज़रूर शिरकत करेंगी। आपका दानियाल उमर। बस आप मुकम्मल रेस्ट करें और दिल पर कोई बोझ ना लें। बोझ? डॉक्टर साहब, मेरे ऊपर तो भार पड़ा है। खुद को संभाले बेगम साहिबा, सेहत ठीक होगी तो आप इन झमेलों से लड़ भी सकेंगी। अब आप आराम करें, मैं कल सुबह आकर आपका चेकअप कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। नादिया, नादिया, ये तुमने क्या किया? क्या किया था? क्या कर दिया? बेगम साहिबा, डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया है। बस चुप रहो, तो जाओ दूसरे कमरे से मेरा फोन लेके आओ। ठीक है, ले आती हूँ। कितना खूबसूरत समा है ना, चांदनी रात, लहरों का ये शोर, चांदनी से फूटती हुई रोशनी की ये किरणें, और तुम्हारा साथ। बाप, ये सब कुछ कितना खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जानते हो तानिया, मैं चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी का एक एक पल इतना ही खूबसूरत हो। सलाम अलैकुम। अम्मी, खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे अम्मी कहा, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारी इस घटिया हरकत ने मेरे आबा और दाश्त की रूहों को तक पहुंचाया है। अम्मी, इसका यही अंजाम था।
आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें मरकर भी माफ नहीं करूंगी दानियाल। अभी प्लीज ऐसा मत कर। आप 23 तारीख तक यहाँ आ जाएं मेरी खुशियों में शरीक होने के लिए। अरे आग लगे ऐसी खुशियों को जो खानदान को बदनाम करे। अगर मैं कराची पहुंच गई ना तो मैं उस चुड़ैल का मुंह नोच लूंगी जो नूर की जगह ले रही है। अच्छा किया नूर ने जो खुला हासिल करने के लिए वो अदालत तक पहुंच गए। तुम वाकई नूर के काबिल नहीं थे। क्या नूर ने खुला के लिए अदालत से रुजू किया था? फिर तो आपको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए अम्मी। आप प्लीज 30 तारीख तक यहाँ मेरे पास आ जाइए। क्या हुआ दानियाल? तुम्हारे एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि आंटी बहुत गुस्से में थी। कुछ नहीं बाप, हमारी जल्दबाजी ने शायद उनको बहुत हर्ट किया। मैंने उनको बता दिया कि हम 30 तारीख तक शादी करने वाले हैं।